फ्रेंड्स, हम केसीघाट जाने के लिए एक बोट हायर किया। इस बोट से हम घूमेंगे वृंदावन में। आके पहली बार बोट से घूम रहा हूँ यमुना जी में। मेरे पीछे देख रहे हैं सारा अलग अलग बहुत सारे घाट है। ये सब घाट है, गोपी घाट है। ये जो जिस जहाँ से हम चले हैं ये गोपी घाट है। ये बलदेव घाट है। ये एक के बाद एक, जैसे बनारस के बारे में बताया था वैसे ही वृंदावन में भी एक के बाद एक घाट है। और बहुत ही सुंदर घाटों को बना के रखा गया। बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है। हम जब जाएंगे उस तरफ आप लोगों को दिखाएंगे और क्लोजली। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी होगा, ये बोट से घूमना। ये वृंदावन तो मैं पहले कई बार आ चुका हूँ लेकिन बोट से कभी नहीं घूमा। फर्स्ट टाइम बोट से कैसा लगता है ये वृंदावन का, ये घाटों की एरिया वो दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे चलते हैं और दिखाते हैं घाटों को। ये मेरे पीछे जो घाट दिख रहे हैं, ये छोटा सा स्टीमर जो नाव लगा हुआ है, ये है राधा घाट। मेरे पीछे जो घाट दिखाई दे रहा है ये है केसी घाट। ये कंस मामा का जो भाई केसी दानव, यस, कंस मामा का भाई का नाम था केसी दानव। उनके नाम पे ये घाट है। जो भाई साहब हम लोगों को घुमा रहे नाव से, उनको वृंदावन के बारे में कितना अच्छा नॉलेज है, देखिए अभी बताएंगे, सुनिए। ये जो वृंदावन है ये हमारा तुलसी नाम का वन था। तुलसी का नाम था बिंदा। जो विशाखा सखी आई थी वो लेके आई थी तुलसी को। जब तुलसी ने यहाँ पर प्रकट हुआ है तब इस घाट के नाम से रखा है बिंद्रा वन। वन माने जंगल, वन माने जंगल। तो हमारा निधिवन है इधर में, आप देखोगे थोड़ी सी साइट में हमारा निधिवन है जो कि भगवान रास करते हैं उसमें। तो रास करते करते एक दिन राधा रानी के साथ में महाराज कर रहे थे, सभी लोगों के साथ में, 108 गोपियों के साथ में। जब भगवान रास कर रहे थे तो एक दिन राधा रानी आई, बोली अरे स्वामी ये क्या कर रहे हो, मेरा तो ये रास मेरे साथ होना चाहिए, ये गोपियों के साथ में कर रहे हो। तो राधा रानी रूठ के नहीं है, इधर में जंगल है, इस जंगल में अशोक के पेड़ के नीचे बैठ गई। बोले अरे ये क्या स्वामी, हमारे साथ करना चाहिए, ये गोपियों के साथ में कर रहे हो तुम रास को, तुम्हारे ये सभी जंगल है। इसको बोलते बंसीवट। जब भगवान ने बंसी बजाई है तो भगवान, जब रास हमारा ख़त्म हो गया तो भगवान बोले अरे गोपियों ये क्या कर रही हो भैया, अब सारी गोपियाँ अपने अपने घर जाने लगी, अब मैं किसके घर जाऊँ, क्योंकि मेरी राधा रानी रूठ चुकी हैं। जब मेरी राधा रानी रूठ चुकी हैं तो फिर बोले अच्छा चलो मैं अपनी राधा रानी को ढूंढने चलता हूँ। तो जंगल में मान सरोवर है, जहाँ आँखों की सरोवर से कुंड भरा है। मान सरोवर अशोक के पेड़ के नीचे बैठ गई, हमारे कृष्ण भगवान बंसी लेके गए छुपके छुपके। तो बोले अरे यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरी राधा रानी है, मैं इनके चरण पकड़ लेता हूँ। तो जैसे उनके चरण पकड़े हैं राधा रानी के कृष्ण भगवान ने, तो स्वयं ही आँखों में से सरोवर लहाने लगी, अरे आज मेरे स्वामी पर गलती हुई है तो मेरा स्वामी मेरे चरण पकड़ रहा है। जब चरण पकड़ रहा है तो आँखों में से आंसू आने लगे, आंसुओं की सरोवर भरी, जिसको बोलते हैं मान सरोवर। राधे राधे बोलिए, मेरा नाम है रमेश केवट, मैं बोट चलाता हूँ केसी घाट पर। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ के केवट जो नाव चलाने वाले हैं वो भी कितना अच्छा नॉलेज रखते हैं वृंदावन के बारे में। मेरे पीछे जो लैंड दिख रहा है सारा सरसों का खेत है अभी, इसके बारे में भी बताया, इस जगह के बारे में, काफ़ी बड़ा जगह है ये। यह है यमुना, हम यमुना के साथ साथ अभी केसी घाट पे जा रहे हैं जहाँ पे आरती होता है केसी घाट में। तो जाने का रास्ता देखिए, ये देखिए, बिल्डिंग के अंदर रास्ता है फिर बाहर।
ये केसी घाट जहाँ पे आरती होता है। यमुना जी यहाँ से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लैक वाटर। ये कंस का जो भाई हुआ करता था केसी, उनके नाम पर यह घाट है। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं निधि वन। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये निधि वन का गेट है। हम अंदर चल के देखेंगे। ये निधि वन का गेट, फ्रेंड्स ये निधि वन का एंट्री है। बहुत सुंदर तरीके से इसको बना के रखा है। ये चारों तरफ तुलसी का वन है। पहले इसके अंदर से जा सकते थे, लेकिन अभी ये चारों तरफ से घेर दिया गया ताकि कोई अंदर अंदर घूम ना सके। ये जो वेल दिख रहा है, कुआं, इसका गेट बंद है, अंदर जाना मना है। तो इस कुंड का नाम है ललिता कुंड। ललिता कुंड वो कुंड है जो कि भगवान का ये रास मंडल है निधिवन। और निधिवन में भगवान जब रास कर रहे हैं, तो रास करते करते ललिता सखी को प्यास लग, और प्यास लगने के बाद उन्होंने भगवान से बोला कि मुझे प्यास लगी है। तो पानी नहीं होने के कारण भगवान ने अपने बंसी को जमीन में दे मारा, और उसके बाद वहाँ से जल की धारा प्रस्फुटित हुई। तो वो कुंड ये है ललिता कुंड। अभी हम निधिवन में हैं। निधिवन वृंदावन के 12 वनों में से एक प्रमुख वन है, जहाँ की भगवान रास करते हैं, नित्य रास करते हैं। निधिवन में बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल भी है, और एक ललिता सखी का कुंड भी है जो कि भगवान ने बनाया था। और निधिवन के जितने भी लता पता हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, ये सब सखियां हैं, गोपियां हैं, जो कि यहाँ की मान्यता है कि रात में ये गोपियां बन जाती हैं और भगवान के साथ में रास मंडल में रास करती हैं, और फिर सवेरे सुबह होते ही ये सब वृक्ष बन जाती हैं। तो ये जो लता पता है, इन्हें हम गोपियों की तरह पूजते हैं ब्रज में। और यहाँ की जो मिट्टी है, रज है, वो भी बहुत पूजनीय है। तो निधिवन वृंदावन के 12 वनों में से एक महत्वपूर्ण वन। अभी हम देख रहे हैं पीछे जो छोटा सा मंडप नुमा मंदिर बना हुआ है, ये विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल है। श्री हरिदास ठाकुर ने अपने भजन से, भक्ति से बांके जी को यहाँ पे इसी मिट्टी से प्रकट किया था, और फिर बाद में वहाँ जाके स्थापित हुए बांके बिहारी जी। तो ये बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल है। ये निधिवन के अंदर है रंग महल। ये है निधिवन का दृश्य। इन कुछ साल पहले से यहाँ पे ऐसे कॉरिडोर जैसा बना दिया गया अंदर अंदर से, जिसके अंदर से घूमना पड़ता है। इस जंगल के अंदर जा नहीं सकते अब। ये सारे तुलसी का पेड़ है। हम निधिवन घूम लिया, अभी दिखा दिया आप लोगों को निधिवन। अभी चलते किसी और जगह पे, बीच पे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। भीड़ थोड़ा सा भी कम ही है यहाँ वृंदावन में। कभी फेस्टिवल में मत आना, तो ये भीड़ झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलते हैं।